आप सभी को राज बहादुर सिंह का नमस्कार। आज हमारा जो क्रिस्टलाइन वाटरप्रूफिंग करते हैं उसका पर स्क्वायर मीटर क्या चार्ज आता है और उसको कैसे करते हैं, इसके पहले हमने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में बताया है, लेकिन अभी क्या खर्चा आता है पर स्क्वायर मीटर में, मटेरियल का क्या कॉस्ट आता है उसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हमारा अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, रॉ वाटर टैंक है, और ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें वॉल पोर्शन में 2 कोट हम लोगों ने वाटर प्रूफिंग कर दिया है, और अभी हम लोग क्या है राफ्ट यानी फर्श के ऊपर कर रहे हैं, जिसमें लगभग 50% एरिया में हमारा सेकंड कोट भी हो गया है और लगभग 100% एरिया में हमारा फर्स्ट कोट हो गया है। जैसे कि हमने आपको बताया था, पहले हमें क्लीन करना है, फिर पानी से धुलाई करना है, वायर ब्रश से पूरा क्लीन करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने सेकंड कोट कर रहे हैं, वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, जैसे हमने ब्रश के थ्रू ये कर रहे हैं, ये हमारा सेकंड कोट, मटेरियल के बारे में ऑलरेडी हमने पहले आपको बताया था, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। ये रोलर का भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रोलर में एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे रोलर से करते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं, एक्चुअली में ब्रश से करने का बेनिफिट क्या होता है कि जो हमारे ये हल्के फुल्के गैप रहते हैं यानी छिद्र रहते हैं या छेदा रहते हैं, इसको इजली वे में आप देख सकते हैं भर सकते हैं, और यदि हमारा सरफेस स्मूथ है वहाँ आपको रोलर से करने में ज़्यादा फ़ायदा है, जल्दी होता है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकलती है। लेकिन जहाँ तक बात होती है इन गड्ढों को भरने में, उसमें रोलर से प्रॉपर नहीं होता है, जैसे आप देख सकते हैं। और ब्रश के थ्रू आप देखिए, यदि हम ब्रश के थ्रू करते हैं तो ये क्या है गैप पूरे तरीके से प्रॉपर इस प्रकार से फील हो जाता है। तो ये रोलर और ब्रश के थ्रू करने का बेनिफिट है, लेकिन रोलर से आपको ब्रश के कंपेयर में जल्दी होता है। तो जैसे कि अभी हमारा एक स्क्वायर मीटर एरिया में कितना खर्चा आता है, तो हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, यदि हम ये मटेरियल किसका ले रहे हैं, फॉसरॉक का है। मटेरियल क्या है, ब्रश बॉन्ड TGP मटेरियल है, ठीक है। इस मटेरियल को हम यूज़ कर रहे हैं, और यदि हम इसका पर एरिया कितना ये कवर करता है दोस्तों, ब्रश बॉन्ड जो हमारा TGP मटेरियल है, ये 1 से 2 kg पर स्क्वायर मीटर, कितना 1 से 2 kg पर स्क्वायर मीटर। ये क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट कोट में थोड़ा ज़्यादा मटेरियल लगता है लेकिन सेकंड कोट में कम लगता है, इसलिए हम लोग कहाँ से लेते हैं, ये लेते हैं 1 kg से लेके 2 kg तक पर स्क्वायर मीटर एरिया, ठीक है, ब्रश के थ्रू। वहीं यदि हम इसके रेट की बात करते हैं दोस्तों, मटेरियल का जो कॉस्ट है, जिस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, ये लगभग 100 से लेके 150 रुपीज तक पर kg मिलता है। यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में मटेरियल लेते हैं तो लगभग आपको 100 से 120 रुपीज के आसपास पर kg पड़ता है। यही यदि आप फुटकर विक्रेता से या कहीं अदर से लेते हैं तो लगभग 150 से 160 के आसपास पड़ता है। ये क्या है, पर kg का रेट बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो हम लोग टोटल ओवरऑल कॉस्ट की बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने इसमें क्लीनिंग हो गया, इसके बाद आपका वाटर से धुलाई हो गया, प्लस दोस्तों इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, वो क्या है, इसको जब हम सेकंड कोट लगा देते हैं, सेकंड कोट कोटिंग करने के बाद इसमें 7 डेज हमको क्यूरिंग करना पड़ता है, वो भी इंक्लूड है। यानी आपका जो है लेबर चार्ज विथ मटेरियल, यानी जो आपका प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट यदि आप करते हैं, तो ये कितना पड़ता है पर स्क्वायर मीटर, लगभग 350 से 400 रुपये, कितना 350 से लेके 450, यानी 450 रुपये तक पर मीटर स्क्वायर, यानी 2 कोट, यानी जो हमने 2 कोट की बात किया है उसमें से आपका 2 कोट लेके, जिसमें इनका क्लीनिंग, जैसे हमने आपको ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में बताया है कि हमको क्या क्या सरफेस को रेडी करना है वाटरप्रूफिंग करने से पहले। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप पर स्क्वायर मीटर कितना कॉस्ट आता है और कितना मटेरियल लगता है, आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और जहाँ कहीं भी आपको क्रिस्टलाइन वाटरप्रूफिंग करना है, तो जिन जिन चीज़ों को हम बताए हैं उस चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए, और आप अपने टैंकों में या अंडरग्राउंड जो हमारे टैंक हो गए, पिट हो गए, टनल हो गए, वहाँ आप इसका उपयोग करते हैं, तो 100% वाटर के लीकेज को कम कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।